का भी मामला तय हो जाएगा, कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी इसके बारे में भी चर्चा हुई, कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये जितना जल्दी तय हो जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि पता नहीं नरेंद्र मोदी जी ने जो विशेष सत्र बुलाया है, मुझे तो उनकी सीधी सीधी तौर पे घबराहट दिखती है, बेचैनी दिखती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के अंदर, कि वो इंडिया गठबंधन की जितनी मीटिंग हो रही है, जितनी बैठकें हो रही हैं, उसके बाद घबरा कर कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। जैसे मुंबई की बैठक का उन्होंने सुना तो उसके पहले गैस के सिलेंडर का दाम 200 रूपये कम कर दिया। अब 3 राज्यों के चुनाव हैं, उसके अलावा भी तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं। इन चुनावों के साथ लोकसभा के चुनाव करा सकते हैं, ऐसी हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि घबराए हुए हैं मोदी जी और विशेष सत्र बुला रहे हैं। कोरोना की महामारी में विशेष सत्र नहीं बुलाया, नोटबंदी में त्राहिमाम हुआ देश के अंदर, उन्होंने विशेष सत्र नहीं बुलाया, मणिपुर हुआ, तमाम ऐसे राष्ट्रीय आपदा आई देश के अंदर, कभी उन्होंने नहीं बुलाया, और आज वो विशेष सत्र बुला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी घबराहट का नतीजा है, जो मुझे लगता है कि जब सदन का सत्र चलेगा तो पता चल पाएगा। कैंपेन कमेटी मेंबर हैं आप, आपने सीट शेयरिंग पे भी अगले 1-1.5 महीने में बात होगी, तो किस तरीके से इसको आगे ले जाने के का रोड मैप तैयार किया है? देखिए, जहां तक कैंपेन कमेटी का सवाल है या जो और भी कमेटियां बनी है, हम सारे जो ये इंडिया अलायंस है, इसका मकसद क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, सारे आकाश से लेकर पाताल तक, जहाज से लेकर जमीन के नीचे का कोयला तक, सब कुछ अपने दोस्त को देते जा रहे हैं। आज भारत की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त के सामने आए हैं, बेरोजगारी का आलम यह है कि 4 साल की नौकरी सेना में आप दे रहे हैं, और -50 डिग्री टेम्परेचर में आप कह रहे हैं, +50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन और जैसलमेर में हमारे जवान जाके ड्यूटी करेंगे, लेकिन जो मोदी जी के करीबी हैं उनका लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। महंगाई का आलम यह है, किडनी का, कैंसर का, टीवी का, हार्ट का, सारी दवाएं महंगी, सब्जियों का दाम महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, महंगाई आसमान पे है, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, लाठियां मिलती हैं। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये हम लोग जनता के बीच में अभियान चलाकर बताने का काम करेंगे, और मोदी जी की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जनता को लामबंद करेंगे। जितने इंडिया गठबंधन के दल हैं, ये भारत के 60-70% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं इसमें, और मैं एक ही बात कह सकता हूं कि 2024 के अंदर इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इंडिया के प्रधानमंत्री को लोग जिताएंगे इस बार, अडानी के प्रधानमंत्री को हराएंगे। इंडिया अलायंस की तीसरी बयान आए जिसमें पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक मीटिंग पे कहा है कि ये इंडिया अलायंस अंडा अलायंस बन जाएगा। देखो, अहंकार राजनीति में बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन अफसोस है कि ये बीमारी जो है पूरी की पूरी भाजपा को लग चुकी है। वो अहंकार में डूबे हुए हैं, तानाशाही में डूबे हुए हैं, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन अगर उनके अंदर घबराहट नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 9-9.5 साल तक एनडीए को याद नहीं किया, एनडीए क्या है भूल गए थे, इंडिया गठबंधन के जवाब में एनडीए की मीटिंग बुला रहे हैं, 38 दलों की मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें दल कैसे हैं, हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया, जिसके एक भी सांसद विधायक नहीं उनको भी बुला लिया। तो घबराहट है और बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और इसी के कारण मैं तो कह रहा हूं ये जो विशेष सत्र बुलाया है, लग रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव ये लोग साथ कराना चाहते हैं। एक सवाल और सर, रविशंकर प्रसाद जी का कहना है
उनके पास कोई आइडिया डिविजन है डेवलप जो गरीब है उनको ऊपर करने का, महिलाओं के लिए, किसान के लिए कोई विजन नहीं है उनका कहना है। क्या विजन है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का क्या विजन है? आकाश से लेके पाताल तक एक दोस्त को दे देना, 13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर देना, क्या विजन है मोदी जी का? किसान को उनकी फसल का दाम नहीं देना, उनको लाठियां देना, एक साल तक वो सड़क पर बैठ के आंदोलन करेंगे, नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करेगा, महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी, 156 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, तो विजन क्या है मोदी जी का? चंद लोगों के लिए काम करते हैं और बाकी देश की जनता को लूटने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब इनकी लफाजियों से, इनकी बड़ी बड़ी बातों से लोग ऊब चुके हैं, इनके जुमलों से लोग ऊब चुके हैं और चुनाव में जवाब देंगे।